महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, आपका अपना विश्वविद्यालय, हर मनुष्य का विश्वविद्यालय, चाहे वो गरीब हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, परम अमीर हो, सबका अपना विश्वविद्यालय, महामृत्यु महामृत्यु यूनिवर्सिटी, हर जीवों की अपनी यूनिवर्सिटी, जीवन का परम ज्ञान, जीवन की वो समझ जो मनुष्य को महाजीवन की ओर उठाए, उसकी दूसरी पाठशाला जो मैं बयान करने जा रहा हूं, द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पोषण प्रसाद और स्वास्थ्य संबंधित मार्गदर्शन है हर मनुष्य को, जो कलकत्ता के फुटपाथ पर पड़ा हुआ एक गरीब बाप है उससे लेकर परम अमीर मैं, हर इंसान के लिए मार्गदर्शन होता है जीवन का, धर्म का। धर्म का अर्थ ही तो यही है कि बेहतरीन जीवन कैसे इंसान प्राप्त कर सके। अगर मैं आपको बेहतरीन जीवन जीने का मार्गदर्शन नहीं दे सका तो मुझे ये गुरुपद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, और मुझे बैठने में कोई रस भी नहीं। आई एम द लास्ट अलाराम ऑन द अर्थ, मुझे पहचान लो। मैं इस विषय पर आगे जाऊं इससे पहले कुछ उच्छ्वास की प्रक्रियाएं, प्रार्थना, पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, बंदगी से अनजान होना आधुनिक युग के मनुष्य का अज्ञान, मैं ये कहता हूं। पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, बंदगी, अंतःकरण के स्नान का अवसर, वो पूजा, प्रार्थना, बंदगी और प्रेयर का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि से, जो करने के बाद तुम्हारे जीव में किसी भी जीव के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार या कामवासना का भाव रह जाए। उच्छ्वास की प्रक्रिया करेंगे। पहली प्रक्रिया है उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, जमणा हाथ, दाया हाथ, आंख बंद, आपके भीतर जो जोर है किसी को मारने का पूरा दाया हाथ में ले आओ, पूरा क्रोध आपके मुंह पर, उच्छ्वास को बाहर छोड़ो। मैं आपके सामने, जैसे ही आपकी क्षमता समाप्त हो जाए आप सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो, आपका ध्यान केंद्रित करें तीसरा नेत्र दो भ्रमर के बीच, दाया हाथ मध्यमान अंगुली, उसकी वो अंगुली रखो आप दो भ्रमर के बीच, जिसे पता नहीं है, बाहर से थोड़ा प्रेस करो, भीतर से ध्यान को उधर ले जाओ आंखें बंद करके। ध्यान का अर्थ है समग्र शक्ति को एक केंद्र पर लगाना। चलो देखो लगा सकते हो कि नहीं। जो भीतर से लगा सकते हैं वो भीतर से लगाए। चलो दूसरी प्रक्रिया में जाएंगे, उच्छ्वास को बाहर छोड़ेंगे, बायां हाथ, सांस उच्छ्वास सामान्य कर दो, जैसे ही आपकी क्षमता समाप्त हो जाए आप अपना दायां हाथ ले जाए
आपके खोपड़ी के ऊपर, जिसे योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते हैं, शिव बिंदु का स्थान, ये चौपड़ी की भाषा, सादी सीधी भाषा में आपका हाथ अपने ही माथे पर रखो, तुम स्वयं परमात्मा हो। मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हें, हर इंसान को मैं बताना चाहता हूं कि तुम स्वयं परमात्मा हो। तुम हाथ रखो और तुम्हें ही, तुम ही तुमको आशीर्वाद दो। भीतर से उस स्पर्श पर ध्यान दो। चलो धीरे से हाथ को फिर वापस ले लो। फिर से मुछवास को बाहर छोड़ेंगे। आधुनिक युग में, इस युग में, जिस युग में मैं आया हूं, प्रकट हुआ हूं, उस युग में उच्छ्वास की प्रक्रिया से अपरिचित रहना जीवन का महा अज्ञान। सब मनुष्य को इस बात से परिचित होना है, उच्छ्वास की प्रक्रिया। उच्छ्वास को बाहर छोड़ो, दोनों हाथ में पूरा जोर, जितना आपके भीतर जोर है, आपके मुंह पूरा रिलैक्स, रंजन पूरा रिलैक्स, मुंह पर कोई टेंशन नहीं, आंख बंद कर दो, जोर पूरा लगाओ आपके हाथ में, जितना भी आपके भीतर जोर है। मुझे हर इंसान इस पृथ्वी का सशक्त चाहिए, सशक्त, मौत से डरा हुआ नहीं चाहिए, हर इंसान इस पृथ्वी का, पूरा जोर लगाओ, रिलैक्स, आंखें बंद रखे, रीढ़ सीधी, अगड़म बगड़म नहीं बैठना है, रीढ़ को सिद्धि करके बैठना है। आलस्य शिरोमणि, कहीं भी ध्यान, ब्यान कुछ भी नहीं, नो ज्ञान,